हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकिब और आप देख रहे हैं आकिब यूट्यूब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए पोएट्री वीडियोस कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर अपनी वॉइस और पिक्चर्स के ऊपर टेक्स्ट वगैरह किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, वो है काइन मास्टर। मैं आपको इस काइन मास्टर का बता दूंगा कि आपने ये कहाँ से डाउनलोड करनी है और आपने किस तरह से पोएट्री वीडियो बनानी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपने सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। आपने वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है और इसके बाद इसे ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। आपने इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, दो ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। आपने एमटी प्रोजेक्ट को खोल लेना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आएगा, आपने सबसे पहले अपनी पोइट्री का बैकग्राउंड जो रखना है, जो भी पिक्चर वगैरह लगानी है वो लगाएंगे। इसके लिए दोस्तों, आपने मीडिया ब्राउज़र में जाना है। सबसे पहले आप मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो इधर से आपको ये अपनी पिक्चर वगैरह को लगाना चाहते हैं गैलरी में से, या बैकग्राउंड इसके खुद के दिए हुए हैं, आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। मैं इधर से कोई एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये लगाता हूँ। तो दोस्तों, आपने जितने मिनट की वीडियो बनानी है, आपने इस बैकग्राउंड को भी उतना बढ़ा देना है ताकि आपके इस पे ऊपर वीडियो पूरी पूरी लग सके। तो दोस्तों, जैसे कि ये हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों, आपने जो पोइट्री लिखनी है, आप इधर लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आपने टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट में जाने के बाद आप इधर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जो भी है, जिस तरह से भी, जो भी आपकी पोइट्री आप इधर लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। दोस्तों, मैं इधर ये पोइट्री मैं लिख देता हूँ, और इसके बाद मैंने ओके कर दी। दोस्तों, जैसे ये ओपन होकर आ जाएगी तो आपने इसे एडजस्ट करना है। आप इसकी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने कलर में जाना है। कलर इधर से चेंज कर सकते हैं। नीचे आप मज़ीद इसकी देखेंगे, मज़ीद इसकी सेटिंग दी होगी। बैकग्राउंड कलर वगैरह आप इधर से सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं। तो आपने इधर इसे एडजस्ट कर लेना है और इसको बढ़ा देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इधर अपनी रिकॉर्ड करनी है वॉइस। आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आपको ये वॉइस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने वॉइस को दबाना है। इसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, इधर स्टार्ट पर दबा देना है। गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करता हूँ। दोस्तों, इस तरह से वीडियो आपकी रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड आपकी हो जाएगी वॉइस। इसके बाद दोस्तों, आपने कोई अच्छा सा, अगर आपको बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अपने बैकग्राउंड कोई अच्छा सा डाउनलोड कर लेना है। मैं इधर सबसे पहले, इसके बाद मैं आपको इधर से कोई एक बैकग्राउंड लगा कर दिखाऊँगा और प्ले करके दिखाऊँगा कि कैसे रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों, मेरे पास इधर से एक बैकग्राउंड पड़ा है, मैं इसे चूज़ करूँगा और इसे प्लस के आइकन को दबाऊँगा और इसे ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों, अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ कि ये कैसी लग रही है। दोस्तों, मैं इसका बैकग्राउंड का वॉइस आपने थोड़ी कम करनी है, तो आप जैसे बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने ये वॉल्यूम का आपको बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इधर क्लिक करना है और इधर से वॉइस थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि बैकग्राउंड की वॉइस हमेशा थोड़ी सी कम होती है बैकग्राउंड। इसके बाद अब मैं आपको प्ले करके चेक करवाता हूँ। तलाश करता हूँ। इस तरह से दोस्तों, आप मज़ीद पोइट्री वगैरह डाल सकते हैं और पिक्चर वगैरह मज़ीद आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।